यूट्यूबर अरमान मलिक की पहली पत्नी पायल मलिक ने 26 अप्रैल 2023 को सिजेरियन डिलीवरी से जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, जिसके बाद पायल मलिक का काफी ज्यादा वजन बढ़ गया था। लेकिन बच्चों के जन्म के 8 महीनों बाद ही पायल ने काफी ज्यादा वजन कम कर अपनी शेप में लौट आई हैं। अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियोस और फोटोज वो अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हैं, जिसके बाद लोगों ने इस ट्रांसफॉर्मेशन का सीक्रेट भी पूछा। लेकिन इन दिनों पायल अपने पतलेपन की वजह से ट्रोलर्स के निशाने पर भी आ गई हैं। कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि पायल दवाइयों और सर्जरी के जरिए पतली हुई हैं। अब यूट्यूबर ने अपने पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस के सीक्रेट को शेयर किया है कि आखिर इतनी जल्दी उन्होंने वेट लॉस कैसे किया। आइए आपको भी बताते हैं उनका सीक्रेट। नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल्ड स्काई में आप सभी का स्वागत है। पायल ने अपने व्लॉग में बताया कि उनका वेट लॉस होने के पीछे अजवाइन का पानी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। पायल ने बताया कि उन्होंने डिलीवरी के कई दिनों तक लगातार अजवाइन का पानी पिया। वो खाने के बाद साधारण पानी की जगह अजवाइन का ही पानी पीती थी, जिसकी वजह से उनका वेट लॉस हुआ। पायल ने कहा कि वो सुबह उठते ही गुनगुने पानी में 1/4 नींबू में ऑर्गेनिक शुगर डालकर पीती थी। इसे पीने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और तेजी से वजन भी कम होता है। इसके अलावा पायल ने बताया कि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज है, इस वजह से उनका वजन जल्दी कम होता है। यूट्यूबर कहती हैं कि 2016 में जब उनके पहले बेटे चिरायु का जन्म हुआ था तो उस वक्त वो काफी मोटी हो गई थी, जिसके बाद भी उन्होंने यही तरीका अपनाया था। वहीं वो आगे कहती हैं कि रात को वो अपनी डाइट में नमक नहीं लेती, क्योंकि नमक की वजह से उनको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो वेट लॉस करने वालों को भी नमक ना खाने की सलाह देती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।